अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज हम अपने चैनल पर शेयर करने वाले हैं अरेबियन पुडिंग की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक पैन में हमें लेना होगा मिल्क मैंने फुल फैट लिया है, और 575 लगभग ml लेना है, आधे लीटर से ज़्यादा लेंगे। और इस तरीके का कोई भी कैरेमल पैकेट होता है वो आप इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम जो कैरेमल का पाउडर होता है वो ही लेंगे, और जो कैरेमलाइज शुगर जो उसका पाउच होता है वो इसमें हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। दूध को गर्म होने के लिए स्टार्ट कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे जो सैशे होता है वो, और उसे अच्छी तरीके से डिज़ोल्व करना है। दूध को हमें एक बॉयल आने तक पकाना है। जब बॉयल आना ज़रूरी है, बॉयल अगर आएगा तभी जो उसमें सेटिंग एजेंट है वो एक्टिवेट होगा। अब इसमें थोड़ा सा मज़ीद हम इसमें ऐड कर लेंगे, 2 बड़े चम्मच जितना कंडेंस मिल्क। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं चाहते हैं ऐड करना तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क ऐड करके इसे अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे। बहुत ही बैलेंस मीठा होता है, क्योंकि जो हम ब्रेड इसमें इस्तेमाल करेंगे वो सारा ही मीठा अब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये ट्रे है, मैंने इसमें ऑलरेडी एडजस्ट करके देख लिया है कि कितने ब्रेड स्लाइस मुझे लगने वाले हैं। तो टोटल मुझे 5 ब्रेड स्लाइस लगे हैं। आप देख सकते हैं इसके एजेस भी निकाल लेने ज़रूरी है, और फ्रेश ब्रेड ले। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सेट करके इसमें देखा कि मुझे कितना ब्रेड स्लाइस लगेगा। पहले ही मैं असेंबल करके रख रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये फर्स्ट लेयर लग गई है हमारी, इसे हम साइड में रखेंगे। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, इसको ऑलमोस्ट उबाल आ चुका है। इसमें अब मैंने ले लिया है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क इसमें टोटल जाएगा 1/4 कप कंडेंस मिल्क लिया है मैंने। अब इसमें जाएगी, ये है टॉपिंग के लिए जो हम क्रीम बना रहे हैं उसके लिए लगेगा थिक क्रीम है। ये 125 ml की थिक क्रीम है, स्वीट नहीं होनी चाहिए। जो बिना शुगर वाली होती है वो कुकिंग क्रीम इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। सारा इसमें पोर कर देंगे हम। इसे कर लेंगे मिक्स। ये हमारा मिल्क भी हो गया बॉइल। जैसे ही बॉयल आएगा 2 मिनट एक्स्ट्रा पकाना है, और गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। बंद कर दिया गैस की फ्लेम। अब इसमें जो हमने ये क्रीम बनाई थी इसकी बहुत ही पतली सी लेयर लगाएंगे, बहुत ही पतली सी लेयर, जस्ट इस तरीके से इसको। ये हमें टॉपिंग के लिए रखनी है तो ये जस्ट हम पतली सी लेयर लगाएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्वीट और एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए। अच्छे से सोक होना चाहिए ब्रेड, और ब्रेड सूखा सूखा रह गया आपका तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अब इसके बाद ये पोर कर लेंगे, गरम गरम ही पोर करेंगे ताकि अच्छे से सोक हो जाए। अब इसके बाद जो हमने दूसरे स्लाइस काट के रखे थे वो रख लेंगे इसके ऊपर ही। हमें इसे सेट करने की अभी ज़रूरत नहीं है, पहले हम इसे रखेंगे दूसरी लेयर। हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे। अब ये भी चला गया यहाँ पर। अब हम दोबारा से इसकी एक पतली सी लेयर लगाएंगे, बहुत पतली सी एकदम, जस्ट क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्वीट नहीं हो जाएगा अगर हम ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि इसमें भी हमने डाली है ना। बहुत ही झटपट और इजीली बनने वाली रेसिपी है, रमज़ान में बहुत ही मज़े की, एकदम एक्स्ट्रा डिलीशियस लगेगा आपको। ये सब मैंने लगा दिया है। दोबारा से जो बचा हुआ मिल्क था वो सारा ही पोर कर देना है हमें। अब इसे सेट करना ज़रूरी है।
भी ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। अब जो बची हुई टॉपिंग के लिए हमने क्रीम रखी थी वो सारी ऐड कर लेंगे। आपको जितना मीठा करना है उतना इसमें कंडेंस मिल्क एडजस्ट कर सकते हैं। सारा ही टॉपिंग हमने ऐड कर लिया है। अब इसमें जस्ट हम गार्निशिंग के लिए ऐड कर लेंगे चॉप्ड आलमंड्स और थोड़े से ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान की स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी जगह पे रख देंगे और इसे हमें सेट करने के लिए रखना है एटलीस्ट 3 से 4 घंटे के लिए। अब देख सकते हैं कितना जिगली सा बना है, बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही बैलेंस मीठा होता है, ज़्यादा एक्सेस मीठा नहीं होता है और बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से कट करके इसे सर्व कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बना था। ज़रूर ट्राई करें रमज़ान में इस रेसिपी को और अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर करते रहे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।